एक वर्ष हला यूरोप पार्टी को नहीं सारा विश्व चिंतित अछि। यहार भितरे ए दुनिया अनेक किछि हराय सारिछि। यूरोप माटी रे चलिथिबा एहि महाभारत युद्धर अंत केबे हेबो ता केहि जानि नाहाती। कुरुक्षेत्र साजिथिबा युक्रेन माटी रक्त रंजित सबर मुख साक्षी। तेणे एहि युद्ध खूब कम समय भयानक रूप धारण करबाकु जाउछि, कारण एबे पुतिन हमला करबाकु जाउछन्ति तीनोटी देश उपरे। आउ जदि एहि आक्रमण हुए तेबे तृतीय विश्व युद्ध को केही अटकाई पारिबे नाही। नमस्कार, मु स्वागतिका। चलन्तु आरंभ करबा आजर स्पेशल रिपोर्ट। आगामी 48 घंटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, कारण रूसिया युक्रेन समेत नाटोर तीनोटी देश पर आक्रमण करने को बड़ प्रस्तुति करी। लैटविया, एस्टोनिया एवं लिथुआनिया उपरे आक्रमण करिपारे मस्को। लिथुआनिया रूसिया विरोध में लड़े करने को बड़ तैयारी करी। बेलारूस 18 माइल दूर से युद्धाभ्यास करुची लिथुआनिया। युक्रेन पर पुतिन को टार्गेट रे नाटो देश। तबे प्रश्न उठुची जे रूसिया नाटोर 30 देश विरोध में एकुटिया मुकाबला केमिति करिबो। तीन देश सह युद्ध, नाटोरु बदला नेबो रूसिया, आत्मघाती हेबे बिजेन को बंधु, पुतिन को सह लड़िबे गधिया ब्रिगेड। 48 घंटा रे तीन देश मध्यरे आक्रमण। भितरे युक्रेन 17% अंचल को कब्जा करबा परे एबे पुतिन नाटो देश उपरे हमला करबा को जाउछन्ते। लैटविया, लिथुआनिया एवं एस्टोनिया उपरे आक्रमण करबा को बड़ प्रस्तुति करुछि मस्को। तेबे कोन युक्रेन को बचाइबा को लिथुआनिया निजर सबुठरो बड़ गधिया ब्रिगेड को युद्ध मैदान को पठाइबा को जाउछि। युक्रेन 1,00,000 वर्ग किलोमीटर अंचल को कब्जा करबा परे एबे कोन रूसिया जेलेंस्की को मारिबा को करुछंती बड़ प्रस्तुति। एमिति कोन होई छि जे 9,00,000 कोटी टंकार अस्त्र शस्त्र मिलबा परे भी युक्रेन रूसिया को हराई पारु नाही। रूसिया सह लड़िबो गधिया ब्रिगेड। 24 फेब्रुआरी 2022 से जेतेबेले रूसिया चारियाडु युक्रेन उपर आक्रमण कला, ताहार एक सप्ताह परे युक्रेन और नाटो दावी करि सारिथले जे रूसिया युद्ध हारुछि। किंतु युद्धर एक वर्ष परे रूसिया युक्रेन 17% अंचल कब्जा करि सारिछि, जहां प्राय 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। यहार भितरे युक्रेन दावी करुछि जे रूसिया 6,500 युद्ध गाड़ी को जेलेंस्की सेना ध्वंस करिछन्ते। किंतु ये सब परे भी रूसिया टैंक, दूरगामी तोप एवं रॉकेट जरिया घन घन आक्रमण करुछि। अचंबित यह भी करुची जे युक्रेन कौचे रूसिया 300 लड़ुआ विमान नष्ट कर देछि। मात्र देखंतु रूसिया 650 लड़ुआ विमान जरिया रे युक्रेन उपरे आक्रमण करबा को जाउची। एबे तो जेलेंस्की मध्य बिडेन को सह साक्षात परे बंकर भितरे लुची बसी छथि। मिलितिबा सूचना अनुसार पुतिन एबे केवल युक्रेन सह युद्ध लड़ु नहंती, बरं ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका एवं नाटो 30 देश सह युद्ध करबा को बड़ तैयारी करुछथि। युक्रेन परे नाटो पई आउ एक खराब खबर सामना को आसी छे। पुतिन एबे नाटो देश लिथुआनिया, लैटविया एवं एस्टोनिया उपरे आक्रमण करबा को जाउछन्ती, अर्थात रूसिया एबे चारोटी मोर्चा सह सीधासलख युद्ध करबा को जाउछि। आमे आपनकु आगो को कहिबु जे नाटो देश लिथुआनिया, लैटविया एवं एस्टोनिया उपरे आक्रमण केबे ओ केमिति हेबो। किंतु यहा पूर्वरो नाटो देश लिथुआनियार प्रस्तुति भी देखि नियंतु, जे पुतिन को विरोध रे लड़ाई पाई जोरदार करुची प्रस्तुति। रूसिया सह लड़िबो गधिया सेना। रूसिया लिथुआनिया उपरे हमला करबा को धमक देछि। पुतिन को चेतावनी परे लिथुआनिया पूरा खाबरे जाय छि।
लिथुआनियार दाबी अनुसार आयरन ओरफ इन्फैंट्री बटालियन रूसिया उपरे हमला करने को बड़ तैयारी कर तथ्य अनुसार नाटो देश लिथुआनिया पाखरे मात्र 16,000 सैनिक अछन्ति मात्र एही देश पाखरे 3500 जन आयरन ओल्फ इन्फैंट्री बटालियन सैनिक अछन्ति जाकु नाटो देशर सबुठारु भयंकर बोली विवेचना करा जाय। मिलिथिबा खबर अनुसार लिथुआनिया एही गधिया ब्रिगेड को रूसिया विरोध में युद्ध करने को प्रस्तुत करुछि। आयरन ओल्फ इन्फैंट्री बटालियन 3500 सैनिकों पाखे 700 प्रकार अस्त्र रही पाखरे भारी टैंक युद्ध बाहन तोप आंटी टैंक मिसाइल एवं रॉकेट सिस्टम अच्छी। एक बटालियन गभीर आघात दे आक्रमण करिबारे पूरा माही स्पेशल ऑपरेशन करने को बटालियन उत्साहित तो होता है। रूसिया भी एक बटालियन शक्ति जानी रूसिया सामने जदिओ यह सैन्य संख्या कम तथापि भी स्वतंत्र ऑपरेशन करिबारे आयरन ओल्फ इन्फैंट्री बटालियन उत्साह। फेब्रेट जंगल में लिथुआनिया एक गधिया ब्रिगेड युद्धाभ्यास करुछि। आयरन ओल्फ इन्फैंट्री बटालियन जर्मनी द्वारा निर्मित G-36 आसल्ट राइफल व्यवहार करता है। सेपरे अमेरिकार जावलिन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम रो व्यवहार ए बटालियन थरो अधिक दक्ष भाव केही करि पारिबो नाही। लिथुआनियार आयरन ओल्फ इन्फैंट्री बटालियन कमांडो दाबी करिछन्ति जे शेष निश्वास थिबा जाय सेमाने युद्ध करबाकु चाहन्ति। रूसिया सह लड़िब गधिया ब्रिगेड जदि रूसिया यूक्रेन समेत लिथुआनिया उपरे आक्रमण करे तेबे लिथुआनिया मस्को विरोध में निजर गधिया ब्रिगेड को निश्चय मुतयन करिब। प्रश्न उठुछि जे रूसियार 10 लाख सेना आगे लिथुआनिया केते समय पर्यंत तिष्ठि पारिब। प्रश्न यह भी उठुछि जे जहाँ पराजयर आख्या दिया जाइछि से एबे यूक्रेन समेत नाटो देश सह युद्ध करने को प्रस्तुति करुछि। तेबे कोन पुतिन का दाबी सत जे से पूर्व यूक्रेन रो सिंहभाग कब्जा कर सारी एक वर्ष भितर रूसिया यूक्रेन उपर 5000 अधिक मिसाइल आक्रमण कर आश्चर्य कथा यह जे 2-3 दिन पूर्वे नाटो महासचिव कही सारी जे नाटो रूसिया सह युद्ध करने को चाहूना किंतु एवं खबर मिलू जे रूसिया नाटोर तीनोटी देश उपर हमला करने को जाऊँ। ये सबू भितर प्रश्न उठू जे कौन नाटो पुतिन को क्रोधवतार देखि छानिया होगला। NATO has two tasks. The first is to provide support to Ukraine and to ensure that Ukraine prevails. NATO is not party to the conflict, but we support Ukraine, and NATO allies have provided unprecedented support. The other task we have is to prevent this war from escalating beyond Ukraine and become a full-fledged war between Russia and NATO. NATO's Gothia Brigades are Russia's mukabila. एक वर्ष भितर रूसिया द्वितीय विश्व युद्धर रेकर्ड भांगी सारी। केतक रिपोर्ट अनुसार युद्ध में उभय पक्षर प्राय 5 लाख सैनिक प्राण हर सबुठ आश्चर्य कथा जे यूक्रेन को समर्थन करुवा 80 देश रूसिया समर्थन में तिष्ठि पारुना। 80 देश मध्य 31 देश यूक्रेन को एक वर्ष धरी लगातार सामरिक सहायता करुंट किंतु रूसिया एमती घातक आक्रमण करुच्चे जे यूक्रेन को 2 लाख कोटी टकर अस्त्रशस्त्र एजावत बचाई पारिना। एभली भीषण युद्ध भितर नाटोर तीनोटी देश उपरे नजर पकाई रूसिया ए तीनोटी देश उपरे हमला करिवे पुतिन एहाकु भी आपण बुझि नियंतु नाटो उपरे हमला करिवो रूसिया। एक वर्ष भितर रूसिया यूक्रेन 1 लाख वर्ग किलोमीटर जमी अक्तिया कर सारे एवं नाटो देशर तीनोटी देश लिथुआनिया लाटभिया एवं एस्टोनिया उपरे आक्रमण करने को जाउछे। नाटो आशंका करुछि जे यूक्रेन भितर जदि रूसिया सेना को रोका न जाउछि तेबे एक सप्ताह भितर रूसिया नाटोर तीनोटी देश उपरे बड़ आक्रमण करिब। लाटभिया उपरे पुतिन एथिपाई आक्रमण करने को चाहते कारण लाटभिया को पुतिन को विरोध में गड़ बोली कहा जाउछि। सेहिपरि एस्टोनिया रूसिया विरोध में सबुठू बड़ आक्रमण देश सेथिपाई एही देश उपरे मध्य पुतिन हमला करने को प्रस्तुति करिछन्ति। एबे प्रश्न उठुछि जे एही तीनोटी देश उपरे रूसिया आक्रमण कले नाटो कौन करिब। नाटो उपरे हमला करिब रूसिया यारी भितरे गत 24 घंटा भितरे नाटो पूर्व यूक्रेन रे जबरदस्त आक्रमण करिछि घन घन रॉकेट माड़ एवं तापरे जोरदार आक्रमण करिछन्ति पुतिन सेना। बखमुत डोनबास डोनाक्स खेरसन खार्किव एवं लुहान्स्क रूसिया सेना छाखार करि देछन्ति। अमेरिका और नाटो मध्य रूसिया एभली आक्रमण देखि विचलित होइ पड़िछन्ति एथिपाय रूसिया को परिणाम भोग करिवार चेतावनी बारंबार दिया जाउछे किंतु एवं पुतिन आउ पादे आगो को जाई नाटो और अमेरिका को युद्ध धमक दे। कुछ तो तक प्रोस्ट
мы их туда пускать будем просто так? Конечно, ситуация в мире после 1945 года изменилась. Ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции. Они совершенствуются, развиваются и тоже направлены против... एक वर्ष भितर रूसिया जो स्थिति युक्रेन 13 शहर और 14 प्रांत पूरा युक्रेन कबर स्थान पलटि जाए रूसिया 250,000 सैनिक पूर्व उत्तर और दक्षिण युक्रेन में जोरदार आक्रमण करते एक रिपोर्ट मुताबक युद्ध में 5,000 टैंक रूसिया ओल्ला तन्मधर अर्धाधिक नष्ट हो सारी ए सब सत्वे पुतिन रूसिया हार मानवाक प्रस्तुत नुहे एवं रूसिया नुआ सेना युक्रेन उपर हमला करने को होईपारे जे आगामी 72 घंटा भितर रुषिया 2,000 टैंक 700 लड़ुआ विमान 3,000 तोप 300 रकेट और 7,00,000 सैनिक एपर्त सबुठू भयंकर आक्रमण पूर्व युक्रेन में करेंगे परमाणु आक्रमण करने को तो पुतिन खुलमखुला सारा विश्व को चेतावनी दे सारी сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине. Эбе Русия и Украина докна пурбаре холетаре жордар акромон коричи. Эбе аме апонку коучу, че эхи экко борсо битаре Русия, Пакистан ро кетте бидеси мудра Украин матире харчо корисари лане. Америка ро экко патрика ро даби мутабо. Экко борсо битаре Русия ро Пакистан ро бидеси мудра фондар ро. প্রায় 300 কোটি ডলার র 3000 গুণারো অধিক টঙ্কা ইউক্রেনে খরচ করি সারিলানি সেইপরি 9 ট্রিলিয়ন ডলার রুশিয়া এই এক বর্ষ ভিতরে খরচ করি সারিছি যদি আমি অনুমান করিবা তবে 9 ট্রিলিয়ন ডলার হিসাবে রুশিয়া এজাবত 800 খরচ করি সারিলানি অর্থাৎ বর্বাদির সব সীমা সরহদ পার করি সারিছি রুশিয়া এবে দেখিবা কথা নাটোর তিনটি দেশ উপরে রুশিয়া কেবে আক্রমণ করুছি আর যদি ইহা হুয়ে তবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে কেউ কেউ দেশ রুশিয়া বিরোধে যুদ্ধ করবে ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 ওড়িয়া এক বিলেই রকিবা মহাযুদ্ধ এই কথা শুনিলা বেলেকু বিশ্বাস হেউনি না সে সম্পর্কিত খবর দেখিবা এই ছোট ব্রেক পরে युद्ध भितर एक सिक्रेट एजेंट को सामना को आनी समस्त को चकित करिसेंती जेलेंस्की युक्रेन गुप्तचर एजेंसी एक बिले जरिया रे पुतिन को मेसेज देवार प्रयास करिसेंती कुहा जाउछि जे एही बिले रो चेहरा को जदि पुतिन पढ़ी नियंती तेबे से युद्ध रोकिबा को बाध्य होइ जिवे अनिपटे जेलेंस्की को बिले सोशल मीडिया रे होइचै सृष्टि करिछि जेलेंस्की कैंप रे को बिले को नहीं एबे खूब चर्चा ए बिले सारा विश्व रे वायरल होउछि या को रुसिया पे एको सीक्रेट मेसेज बोली कुआ जाउछि ए बिले बिडेन को गस्त पर अचानक चर्चा कुआ सेछि ए बिले रे मुह रे गुप्तचर संदेश थिबा कुआ जाउछि प्रश्न उठुछि कौन युद्ध फसला स्वतंत्र बिलई कर जिते बड़े पूरा युक्रेन बोमा और मिसाइल को सहुची सेते बड़े ही बिलई अनेक प्रश्नवाची सृष्टि करुछी या बुझा को पड़ो कारण जेलेंस्की को बिलई को गुइंदा कह ट्विटर फेसबुक और यूट्यूब समेत तमाम सोशल मीडिया हईचय सृष्टि कर ए बिले युक्रेन गुइंदा एजेंसी डीआईयू अर्थात डिफेंस इंटेलिजेंस ऑफ युक्रेन कार्यालय रहुची ए बिले को गुइंदा एजेंसी डीआईयू मुख्य किरिलो बुदानोवंको सह देखिबा को मिलिची से एक टीवी शो को नै बिले को भी जाइथिले सेडर से कहिथिले ए बिले रो ना गंटर ए बिले बे युक्रेन पै स्ट्रेटजिक भूमिका निभाउची
Я бачив у вас в приймальні кота. Це місцевий кошара, це не котик. Як його звати, вашого улюбленця? Юнтер. Юнтер. Кажуть, що ви його десь знайшли тут, да? Він тут народився і живе тут, десь на території. Він просто гуляє територією. І це кіт, який знає більше державних таємниць? Я думаю, що так. Ніж будь-хто в цій країні? Я думаю, що так. ଏହି ବିଲେଇର ଚେହେରାରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯାହାକୁ ପୁତିନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମେସେଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁତିନ ଓ ତାଙ୍କର ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଏବେ ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ଡିକୋଡ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେବେ ବି ପୁତିନ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ ବୋମା ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏହି ବିଲେଇ ସର୍ବଦା ବଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି। ସେ ଥରେ ବି ଆହତ ହୋଇନାହିଁ। ଡିଆଇୟୁ ମୁଖ୍ୟ କିରିଲୋ ବୁଦାନୋଭଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ବିଲେଇର ଚେହେରାରେ ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ସନ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ଏ ବିଲେଇର ରଙ୍ଗ କେଉଁ ଏକ ନକ୍ସା ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି? ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ଏହି ବିଲେଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅବା ଉସୁକାଇବାର କାମ କରୁଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଲେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପାଳିଥାନ୍ତି ଏହି ବିଲେଇଙ୍କୁ, ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ଏମିତି ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଭାରତର ରାସ୍ତାରେ କୁକୁର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ବିଲେଇ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ବି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ବିଲେଇ ଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯେଉଁ ବିଲେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ବିଲେଇ ହେଉ କି ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର, ରୁଷିଆ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଉଛନ୍ତି। Чи нам по силах перемогти? Так, ми здатні на це у єдності, рішучо і незламно. Ми здатні завершити російську агресію вже цього року. Німеччина була разом з нами від перших хвилин російського вторгнення. Німеччина допомагає нам захищати українців від російського терору. І Німеччина буде разом із нами. ଅନ୍ୟପଟେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନ୍। ବିଡେନ୍ କିଭ୍ ଗସ୍ତ କଲେ, ସେଠାରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଦେଲେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ହେଲେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ଅସଲ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଡେନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ F-16 ଦେବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ F-16 ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜେଲେନ୍ସ୍କି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ରିଅଲି ନୀଡ୍ସ ଆର୍ F-16s। ୱିଲ୍ ୟୁ ସେଣ୍ଡ F-16s? ଲୁକ୍, We're sending him what our seasoned military thinks he needs now. He needs tanks, he needs artillery, he needs air defense, including another HIMARS. There's things he needs now that we're sending him to put him in a position to be able to make gains this spring and this summer going into the fall. You don't think he needs F-16s now? No, he doesn't need F-16s now. ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ଅଚାନକ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା। ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଦରକାର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ଫାଇଟର, ଯାହା ପୁତିନଙ୍କ ଏୟାରଫୋର୍ସକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ଦେବ। ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 3 ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଅଛି, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦାବି। ଅଫର୍ ବି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି, ଆଉ କ୍ୟାନସଲ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାଁ F-16 ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମିରାଜ 200 ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ୟୁରୋ ଫାଇଟର ଟାଇଫୁନ୍। ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁତିନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି 3 ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜେଲେନ୍ସ୍କି 3 ଯାକ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାକୁ ଅବା ରୁଷିଆ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ 3 ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିଭ୍ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହା ଜେଲେନ୍ସ୍କି ବିଡେନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଜୋର୍ ଦେଇ ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଥିଲେ ଆମେରିକା ତାଙ୍କୁ F-16 ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଜେଲେନ୍ସ୍କି F-16 ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଡେନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମନା କରିଦେଲେ। ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ମିରାଜ 200 ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଫାଇଟର ଜେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏମାନୁଏଲ ମାର୍କନ ହଁ କହିନାହାନ୍ତି କି ନା ବି କରିନାହାନ୍ତି। ସେଭଳି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ୟୁରୋ ଫାଇଟର ଟାଇଫୁନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଅବଶ୍ୟ ବ୍ରିଟେନ୍ କହିଛି ଯେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ବିମାନ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ହିଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ।
जेलेनस्की जानिछंती जे फाइटर जेट तो खाली एबे सोपिस भाबे देखा जाउची कारण अमेरिका समेत नाटोर बड़ बड़ देश मना करी कथा को आगो को बढ़ाउछंती नचे जबरदस्ती इच्छा न थाई कहउछंती जे जेलेनस्की को फाइटर जेट रो आवश्यकता रहिची मात्र युद्ध पाई तांकु एते शीघ्र किए देबो टैंक भली फाइटर जेट दाबी को नै मथा समग्र नाटो भाग भाग होउची कारण कहुआई पार जो नाटो डरी जा पुणे देखु ब्रिटेन केमी एफ सिक्सटीन देवा स्पष्ट भाव मना कर जेलेनस्की को एफ सिक्सटीन न मिलने फ्रांस मिराज 200 दे नपे कारण मार्कन आभिमुख्य को द्वंद्व में पक देवाई मना करना कि हाँ भी करना कारण नाटो पुतिन को जेते धमक देले भी एमानुएल मार्कन पुतिन को विरोध में सीधासलख जीवा को द्वंद्वे रही आसी मार्कन कदापि चाहूना जे पुतिन जमी रागरे ब्रिटेन को चेतावनी दे ठीक सेमती फ्रांस को दिंतु मिराज 200 को नहीं फ्रांस निज जगार अच्छी फाइटर जेट को आक्रमण को नहीं जेलेनस्की निज चिंतार अच्छा कारण एवं रुषिया समेत बेलारुस भी आक्रमण विपद बढ़िवार लगी रुषिया और बेलारुस वायुसेना एकाठी अभ्यास कर यूक्रेन स्पेशल ऑपरेशन पर देश आउ टे निकटतर होती से पुतिन एवं निजर फाइटर जेट बेलारुस महजूद रखा चाहते योग यूक्रेन को उत्तरपटु आक्रमण करहब ये रुषिया सुखोई फाइटर यह सीधासख टक्कर देवा जेलेनस्की पक्षे संभव नुहे एमती आधुनिक फाइटर जेट को काउंटर करने को जेलेनस्की को नाटोर सहायता आवश्यक नाटोर जहाज आवश्यक यार अभाव में जेलेनस्की किसी भी करे ना रुषिया एयरपार्क को रोकवाक आपंक पुणि थे देखाऊ जेलेनस्की विकल्प जेलेनस्की को एफ सिक्सटीन ब्रिटेन मना कर आमेरिकार जबरदस्त लड़ुआ विमान यह रुषिया सुखोई फाइटर्स को टक्कर देते जेलेनस्की को आवश्यक मिराज 200 एथे लगी एयर टू एयर मिसाइल रुषिया फाइटर्स विपद सब्यस्त होती फ्रांस निजर आभिमुख्य स्पष्ट करना जेलेनस्की सान यूरो फाइटर राइफल भी रही किंतु फ्रांस विपद ब्रिटेन को भी अच्छी से ब्रिटेन बहाना कर जेलेनस्की को एक प्रकार मना कर जेलेनस्की एथ आशा रखिंट जर्मनी और अमेरिका जो अस्त्र दे पारि ना पोलैंड रास्त मिली से पोलैंड निजर एफ सिक्सटीन दे यूक्रेन सहायता करपार किंतु फाइटर जेट एक भयंकर आक्रमणात्मक प्लाटफर्म यार ऑपरेशन रेंज के सौ किलोमीटर बर हजार किलोमीटर से डर यह जदि पोलैंड रास्त भी जेलेनस्की को फाइटर जेट मिलू तेज तक रुषिया भितर हमला करने संभव नुहे ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया ए युद्धर अंतिम परिणाम कल्पना बाहर कारण यह युद्ध आउ यूक्रेन भितर स्थित ना खूब शीघ्र यह शताब्दीर सबुठारु विनाशक और भयंकर युद्ध होगा जाऊँगी आज तो समय होची स्पेशल रिपोर्ट को ये रखा नमस्कार।